सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 3 कैसे जानूं मैं का पहला प्रकरण सुनकर, सूंघकर, चखकर, छूकर के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हमें किसी चीज़ के बारे में जानना है तो हम सुनकर, सूंघकर, चखकर, छूकर और देखकर जान सकते हैं। तो चलिए इसी के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं और शुरू करते हैं पाठ 3 कैसे जानूं मैं। इसमें दादाजी हैं और उनका पोता सोनू है और इसमें दादाजी अपनी बहू से कह रहे हैं कि बहू, मैं योग शिविर में जा रहा हूँ। तो योग शिविर वो स्थान होता है जहाँ पर लोग कसरत करते हैं, योग करते हैं, व्यायाम करते हैं। तो दादाजी भी वहीं जा रहे थे। तब बहू ने कहा, दादाजी आप अकेले मत जाइए, सोनू को भी साथ ले जाइए। तो दादाजी ने कहा, ठीक है, सोनू को भेज दो। और वो योग शिविर में जाने लगते हैं। तो रास्ते में वो बातें करते हैं तो दादाजी कहते हैं कि रुक जा बेटा, मंदिर में हाथ जोड़ लो। तब सोनू ने कहा, दादाजी आपको कैसे पता चला कि मंदिर आ गया है, आपको तो दिखाई नहीं देता। तब दादाजी ने क्या कहा, दादाजी ने कहा, मैं तो हमेशा इधर से निकलता हूँ और फिर मंदिर की घंटी की आवाज़ भी तो सुनाई दे रही है। बेटा तुम भी आंख बंद कर ध्यान से सुनो, कई चीज़ें हमें बिना देखे भी हम पहचान सकते हैं। तो देखा कि अगर हम आंख बंद कर ध्यान से सुनेंगे तो हम भी बिना देखे किसी भी चीज़ को पहचान सकते हैं। तो ये देखिए कि यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है कि जिसमें मंदिर के बाहर दादाजी और उनका पोता सोनू है और यहाँ पर उन्हें दादाजी को मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनाई दी और उन्होंने सोनू से कहा कि रुको, मैं मंदिर में हाथ जोड़। इसके बाद देखिए कि यहाँ कुछ प्रश्न हैं, चर्चा कीजिए और बताइए। सबसे पहले है कि सुनने के लिए किस अंग की आवश्यकता होती है और उसका एक चित्र बनाइए। तो देखिए कि सुनने के लिए हमें कान की आवश्यकता होती है और आपको ये उसका चित्र है अपनी उत्तर पुस्तिका में बनाना है इस तरह से। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि लोगों को कान से जुड़ी हुई क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि कान में मैल जमना आदि। तो देखिए बच्चों, कान में मैल जमना, कान में दर्द होना, कान से मवाद आना, कम सुनाई देना, ऐसी कई समस्याएं कान की हो सकती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, कान को हम इन समस्याओं से कैसे बचा सकते हैं। तो देखिए, कान को हम रोज़ाना साफ करके, कान में कोई भी नुकीली चीज़ ना डाल करके कान को हम बचा सकते हैं। और इसके अलावा कान को तेज़ गर्मी और सर्दी से बचाकर हम कान की इन समस्याओं से बच सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, दादाजी देख नहीं सकते तो इस कारण उन्हें क्या क्या परेशानियां होती होंगी। तो देखिए कि दादाजी को दिखाई नहीं देता और इसके कारण दादाजी को चलने में, खाने पीने में, अपने दैनिक कार्य करने में, लोगों को पहचानने में, वस्तुओं को देखने और समझने में कई परेशानियां होती होंगी। इसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे सूंघ कर जानूं। तो दादाजी और सोनू आगे बढ़ चले। एक जगह दादाजी रुक गए और सोनू से बोले, बेटा अच्छी सुगंध आ रही है, यानी अच्छी खुशबू आ रही है, जलेबियां बन रही हैं, चलो जलेबियां खाते हैं। ये देखिए कि नीचे एक चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें दादाजी है वो इस दुकानदार से जलेबियां खरीद रहे हैं और यहाँ से उन्हें खुशबू आ रही है, तो यानी
उन्होंने कैसे पहचाना कि जलेबियाँ बन रही है, तो उन्होंने सूंघ कर पहचाना कि यहाँ पर जलेबियों की अच्छी खुशबू आ रही है और जलेबियाँ बन रही हैं। ये देखिए प्रश्न है पहला कि दादाजी को कैसे पता चला कि जलेबियाँ बन रही हैं, तो दादाजी को सूंघ कर पता चला जलेबियाँ बन रही हैं। दूसरा प्रश्न है कि सूंघने के लिए हमें किस अंग की आवश्यकता होती है और उसका चित्र बनाइए। तो ये देखिए सूंघने के लिए हमें नाक की आवश्यकता होती है और उसका ये ऐसा चित्र आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में बनाना है। इसके बाद अगला प्रश्न है आप किन किन चीज़ों को सूंघ कर पहचान सकते हो, तो उसकी सूची बनाइए। तो देखिए हम खाने पीने की चीज़ें हैं जैसे गर्म जलेबी हलवा, इनको सूंघ कर पहचान सकते हैं। फल है, फूल है, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, लहसुन प्याज मसाले, इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें हम सूंघ कर पहचान सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है सर्दी जुकाम होने पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए बच्चों अगर सर्दी जुकाम होती है तो हमें रुमाल का उपयोग करना चाहिए, रुमाल से ही नाक साफ़ करनी चाहिए और इधर उधर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। इसके बाद आगे प्रश्न है इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे छूकर व चख कर जाना। दादाजी ने जैसे ही जलेबी हाथ में ली बोले आह जलेबियाँ तो गर्म हैं, तो सोनू ने जलेबी खाते ही कहा वाह ये तो बहुत स्वादिष्ट भी हैं। तभी दादाजी का हाथ पास पड़े थाल पर पड़ा, अरे समोसे तो ठंडे हैं। ये देखिए नीचे चित्र कि दादाजी समोसे को हाथ से छू रहे हैं और छूते हुए उन्होंने क्या कहा कि समोसे ठंडे हैं, और जैसे ही जलेबी हाथ में ली तो उन्होंने कहा ये तो गर्म है। तो दादाजी को छूने से पता लगा कि जलेबियाँ गर्म हैं और समोसे ठंडे हैं। और सोनू को कैसे पता लगा कि जलेबियाँ स्वादिष्ट हैं, तो सोनू को चखने से पता लगा कि जलेबियाँ स्वादिष्ट बनी हुई हैं। तो इस तरह से हमें चीज़ों के बारे में कानों से सुनकर, नाक से सूंघकर, आँख से देखकर, हाथ से छूकर और जीभ से चखकर पता लगता है। तो किसी भी चीज़ को जानने के लिए हमें इन पांच अंगों की आवश्यकता होती है और इन पांच अंगों को मिलाकर के हम इन्हें क्या कहते हैं, ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखें कि ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं, तो ज्ञानेंद्रियां पांच होती हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए कि कुछ प्रयोग है यह भी कीजिए, जैसे कि बिना आवाज़ सुने और बिना देखे अपने परिवार के सदस्यों को स्पर्श करके यानी उन्हें छूकर पहचानने की कोशिश करें कि वे कौन हैं, तो ये आप करके देखना। उसके बाद अपनी आंखें बंद कर अपने आसपास किसी वस्तु को छूकर पता कीजिए कि वह कैसी है, जैसे गर्म ठंडी गीली सूखी चिकनी खुरदरी मुलायम या कठोर। ऐसा ही एक कार्य और है कि आपके मित्र को कहिए कि वह कुछ खाने की चीज़ें जैसे नमक शक्कर कटा हुआ नींबू आदि एक एक कर आपके मुंह में रखें और बिना देखे आपको चख कर बताना है कि आपके मुंह में क्या है। तो इस तरह से हम चीज़ों को छूकर और चख कर देख कर सुनकर और स्पर्श करके जान सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।